पीलीभीत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगल में सैलानियों ने किया हंगामा। जंगल में बाघ देखकर शोर मचाने का विरोध करने पर हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा के पंशीर ग्रीन सोसाइटी में जमकर हंगामा हुआ। पानी की किल्लत को लेकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का गुस्सा फूटा। पिछले दो दिनों से सोसाइटी में नहीं आ रहा पानी। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई। लोनी बॉर्डर से यूपी में यात्रा की शुरुआत। अगले तीन दिन में तीन जिलों में होगा 130 किलोमीटर का सफर। यात्रा के दौरान कड़ाके की ठंड में हाफ टी शर्ट पहने भाई राहुल गांधी पर बोली प्रियंका, राहुल सत्य का कवच पहनकर चल रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। मुझे पूछना है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती? छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए, अब कश्मीर जा रहे। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं, भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। भारत जोड़ो यात्रा पर जयंत चौधरी का ट्वीट करके भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। जयंत ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वियों को सलाम, आपका अभियान सार्थक हो। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा का महामंथन। दूसरे दिन लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक, जिला योजना समिति और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ रणनीति पर चर्चा। शिक्षा आयोग के गठन को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक की। उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के बदलाव पर मंथन हुआ। शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने पर जोर। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर पदाधिकारियों की हुई बैठक। विपक्ष के आरोपों के खिलाफ अभियान चलाएगी भाजपा। विपक्ष ने बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है। मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर केस में जमानत की मंजूरी दी। मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज हुई थी गैंगस्टर एक्ट में FIR। सहारनपुर में बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर केंद्रीय एजेंसियों के रेड। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की मीट फैक्ट्री में मिली गड़बड़ी को लेकर टीम कर रही है जांच। गाजीपुर के उजरी चट्टी मामले में आया नया मोड़। मुख्तार अंसारी की ओर से गवाह तौकीर बयान से पलटा। तौकीर ने ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन को पहचानने से इंकार किया। ऋषभ पंत के इलाज की सबसे पहली तस्वीर आई सामने। मदद करने वाले दो युवकों ने ऋषभ पंत से देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में की मुलाकात। मीट प्लांट रेबन फूड पर इनकम टैक्स का छापा। 20 गाड़ियों में आए इनकम टैक्स के करीब 40 अधिकारियों ने छापे की कार्रवाई की। बुलंदशहर रोड पर स्थित है रेबन फूड्स की फैक्ट्री। कानपुर में गोल चौराहे के पास एक ऑटो में अचानक से लगी भीषण आग। देखते देखते ऑटो आग का गोला बना। समय रहते ऑटो चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। अमरोहा में ट्रक ने बाइक सवार को 400 मीटर तक घसीटा। बाइक में आग लगने से जलकर हुई बाइक सवार की मौत। कोहरे के चलते हुआ हादसा। आजमगढ़ में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। शौच करने गई नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप लूटने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में हुए ढेर। पुलिस ने दोनों पर रखा था 50,000 रुपए का इनाम। सिटी कोतवाली पुलिस और खुर्जा पुलिस ने एनकाउंटर किया। मारे गए लुटेरों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के गहने, तमंचे, कारतूस बरामद। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।